वेलकम बैक। नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की। यह है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज जो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी से कर रहे हैं। चैप्टर 10 मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल है 10.7.3। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श कोण, और जो नाम है वही है, यानी जो नाम का मतलब है वही है। द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट विद Another medium is in general curved. ज्यादातर curved होती है। वैसे देखा जाए तो तीन तरह की surfaces हमें दिखाई देती हैं बच्चों। कौन कौन सी? यहां आप देख रहे हैं ये spherical है, ये flat है, ये concave up है, ये convex up है, ठीक है। तो flat, concave, convex तीन तरह की surfaces हो सकती हैं। The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. तो अगर मैं आपको ये बनाकर बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा बच्चों कि सरफेस अगर इस तरह की है ना, आपको पता भी होगा केमिस्ट्री में भी ये फैक्ट काम आता है जब हम ब्यूरेट में रीडिंग पढ़ते हैं टाइट्रेशन करते वक्त। तो सरफेस कॉनकेव अप है, ये किसी कांच के बीकर में भरा हुआ पानी हो सकता है, कांच के ग्लास में भरा हुआ पानी हो सकता है। तो पानी की सरफेस जो है मेनिस्कस कहते हैं इसको, अर्धचंद्र हिंदी में कहते हैं। तो कॉनकेव अप है। तो यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूंगा तो हमें क्या करना होगा, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल लेना होगा, जो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है। ऐसा क्यों है, उसका रीजन यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं आपको। यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, एक फोर्स लग रहा है एडहेसिव, है ना, दो मेनली दो फोर्स कंट्रोल कर रहे हैं इसको। एक है एडहेसिव जो खींचता है, डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, जैसे हम किसी एडहेसिव से दो ऑब्जेक्ट्स को चिपकाते हैं, है ना, आपने यूज किया होगा बॉन्ड फिक्स, क्विक फिक्स, ये सब क्या एडहेसिव है। दूसरा फोर्स होता है बच्चों कोहेसिव, ये दोनों ही इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं, इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज की बात हम कर सकते हैं इसके में। तो एडहेसिव फोर्स को मैं अगर ए से दिखाऊं, कोहेसिव फोर्स को मैं अगर सी से दिखाऊं, तो कोहेसिव फोर्स खींच रहा है अंदर, एडहेसिव फोर्स खींच रहा है, सॉलिड खींच रहा है, यहां जो मॉलिक्यूल है उसकी अगर हम बात करें। और क्योंकि मेनिस्कस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेनिस्कस का जो शेप है कॉनकेव है, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन, नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं पहले बना दूं, नेट फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हम यू कह सकते हैं, पैरेललोग्राम अगर मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से, यहां जो मॉलिक्यूल है उस पर एडहेशन लग रहा है, एडहेशन कमजोर है या कम है, सॉरी ये कोहेजन लग रहा है, कोहेजन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कोहेजन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कोहेजन और ये लग रहा है एडहेशन। तो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से इसको कंप्लीट करता हूं, ये रिजल्टेंट फोर्स है जिसको मैं एफ से दिखा देता हूं, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एडहेशन कोहेजन और उनका रिजल्टेंट F। तो यहां कोहेजन, कोहेसिव फोर्स इज लेसर देन एडहेसिव फोर्स, तो शेप हुआ कॉनकेव। दूसरा केस लेता हूं मैं, कलर कोडिंग सही कर देता हूं बच्चों। ये ग्लास है और इसमें भरा है मरकरी, सपोज मरकरी भरा है, तो मेनिस्कस हो जाता है कॉन्वेक्स अप, शेप लुक लाइक दिस। तो यहां एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मैं दिखाऊंगा तो लिक्विड जो कि मरकरी है, लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट,
एंड सॉलिड की सरफेस, इनके बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, एंड ऑब्वियसली थीटा हम देख पा रहे हैं इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये किसके लिए होता है? ये होता है मर्करी एंड ग्लास सरफेस के लिए। अब यहां कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस की क्या सिचुएशन है? देखिए, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा होगा कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो कि अंदर की तरफ है। तो निश्चित रूप से ये तभी हो सकता है जब कोहेजन ज्यादा हो, कोहेजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, एडेशन का मैग्नीट्यूड कम हो। तो मैं उसको ऐसा दिखा सकता हूं, ये है एडेशन और कोहेजन काम करेगा, ये जो पूरा लिक्विड है इसके आधे में से मैं ले सकता हूं, कोहेजन काम करेगा इस तरफ और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इस तरह से कि अगर मैं पैरोग्राम कंप्लीट करता हूं, डायग्राम थोड़ा इनपरफेक्ट है, पैरोग्राम कंप्लीट करता हूं तो इस तरह से आएगा। सो हियर इट इज कोहेजन, हियर इट इज एडेशन, एडेशन होता है डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच यानी मर्करी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच, एंड एफ इज रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड्स। यही कारण है कि ये शेप ऐसा है, कॉन्वेक्स है, और हमें पता है कि नेट फोर्स एफ हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा लिक्विड है अगर, क्योंकि लिक्विड जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई भी बियर नहीं कर सकता, टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर फैलता चले जाता है। और इन दोनों के बीच का जो केस है जिसको हम क्रिटिकल मान सकते हैं, क्रिटिकल केस, अगर हम चांदी के ग्लास में पानी भरते हैं यानी सिल्वर एंड वाटर के लिए बात करेंगे, तो वाटर की सरफेस परफेक्टली फ्लैट होती है, वाटर सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसको मैं इस कलर से दिखाता हूं, रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज एफ। तो एडेशन और कोहेजन की क्या सिचुएशन होगी यहां पर, आप गैस कर सकते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है, वो 90 डिग्री है, साफ साफ देखने में आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं थीटा इज 90 डिग्री, और ये तभी पॉसिबल है अगर मैं पैरोग्राम लॉ से इसको दिखाऊं कि एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, दिस इज एडेशन, हियर इट इज कोहेजन, तो ये बराबर हो जाते हैं, पैरोग्राम परफेक्ट नहीं बनाया। सो हियर एडेशन मैग्नीट्यूड में कोहेजन के बराबर हो जाता है, तब ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से आता है। और सेकंड केस में एडेशन कोहेजन से कम है, एडेशन कम है, कोहेजन ज्यादा है। सो दीज थ्री केसेस ये हमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में। The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. It is denoted by theta. It is different at interfaces of different pairs of liquids and solids. और उनकी values भी अगर आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं बच्चों, NCERT में नहीं दी हुई है, पहले थी बाद में हटा दी गई। Pure water and clean glass की अगर मैं बात करता हूँ, pure water शुद्ध जल और साफ कांच, अगर ये पेयर हम लेते हैं तो आइडियली एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है 0 डिग्री, और इस सिचुएशन में लिक्विड की टेंडेंसी होती है ऊपर चढ़ने की, इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आर्टिकल कैपिलरिटी में। यही कारण है कि दिए की बत्ती में तेल चढ़ता है, हिंदी में कहते हैं केशिकात्व, केशिका नली, केश नली, केशिका। तो प्योर वाटर क्लीन ग्लास पर यही, अगर वाटर जो है विद इम्प्योरिटी हो, इम्प्योर वाटर एंड ग्रीसी ग्लास हो, ग्रीस लगा हुआ तेल, चिकनाई लगा हुआ ग्लास हो, तो ये एंगल 8 डिग्री हो जाता है। सेकंड केस जो है मर्करी हाइड्रोजनम एचजी और ग्लास पेयर्स के लिए है, और ये होता है अराउंड 138 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। और तीसरा जो है सिल्वर
यानी ए जी, एंड ग्लास के लिए है, सॉरी वाटर, चांदी का ग्लास है और वाटर के लिए है, और ये जो एंगल है थीटा 90 डिग्री, ये क्रिटिकल केस है जब दोनों बराबर हो गए ए और सी। सो हियर एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। इसीलिए होता क्या है, यहां क्योंकि एडेशन ज्यादा है, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, तो ग्लास पे कोई अशुद्धि है, इंप्योरिटी है, तो पानी में खिंचकर आ सकती है। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ग्लास के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी ये ग्लास को गीला नहीं करेगा लिक्विड, जैसे मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता, ये ग्लास को गीला करेगा, है ना, एडेशन ज्यादा है। यहां हम ये मानते हैं चांदी के बर्तन में पानी पीना शुद्ध मानते हैं, चांदी के ग्लास में, उसको झूठा भी नहीं मानते, कोई मुंह लगाकर भी पिए। तो रीजन ये है कि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के बराबर है, तो जो ग्लास पे इंप्योरिटी है वो ग्लास पे रहेगी, जो पानी में इंप्योरिटी पानी में रहेगी, पानी से ग्लास में नहीं जाएगी, ग्लास से पानी पर नहीं आएगी। सो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी। इट इज डिफरेंट एट इंटरफेस डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड सॉलिड्स, द वैल्यू ऑफ थीटा डिटरमाइंस वेदर ए लिक्विड विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और इट विल फॉर्म ड्रॉपलेट्स, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदे, जैसे चिकने तवे पर पानी की बूंदे, फॉर एग्जाम्पल। और कभी थर्मामीटर फूट गया हो आपसे तो जो मरकरी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, उनसे खेले भी होंगे आप पास लाने पर, वो कंबाइंड हो जाती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। वाटर फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स ऑन लोटस लीफ एज शोन इन फिगर 10.19a, ऐसी बूंद बन जाती है। व्हाइल स्प्रेड्स ओवर ए क्लीन प्लास्टिक प्लेट एज शोन, प्लास्टिक पर ये इस तरह से फैल जाती है, कांच पर भी फैल जाती है, और यहां आप देख ही पा रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। वी कंसिडर द थ्री इंटरफेशियल टेंशंस एट ऑल द थ्री इंटरफेसेस, ये कैसे बना उसकी बात की जा रही है। सो वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, थ्री इंटरफेशियल टेंशंस एट ऑल द थ्री इंटरफेसेस, लिक्विड एयर यानी एल ए, सॉलिड एयर एस ए सॉलिड एयर, एंड सॉलिड लिक्विड एस एल। एट द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट द सरफेस फोर्सेस बिटवीन द थ्री मीडिया, कौन कौन से तीन मीडियम है, हवा है, सॉलिड है और लिक्विड है। द सरफेस फोर्सेस बिटवीन द थ्री मीडिया मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फ्रॉम द फिगर 10.19b, ये वाली फिगर है। द फॉलोइंग रिलेशन इज इजीली डिराइव्ड, इससे हम कौन सा रिलेशन डिराइव कर सकते हैं वो देखते हैं बच्चों। हियर इज द रिलेशन, कैसे आया, इस फिगर से। तो मैं कंपोनेंट ले सकता हूं एस एल ए का अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, एक इधर रहेगा, तो ये होगा एस एल ए कॉस थीटा, और मैं लिख पाऊंगा एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इक्वल टू एस एस ए, बैलेंसिंग करके। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इफ एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, ठीक है, ये बड़ा है, एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, क्योंकि उधर जाएगा माइनस होएगा, तो फिर कंपोनेंट आ रहा है खाली। ओके, वाटर लीफ इंटरफेस वाइल इट इज एन एक्यूट एंगल इफ एस एस एल इज लेस देन एस एल ए एज इन द केस ऑफ वाटर प्लास्टिक इंटरफेस। ये वाटर और लीफ इंटरफेस यानी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस इक्वेशन से तो वो आ रहा है अलग, इस इक्वेशन से अगर देखें, हम यहां से देखें, इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, ये एंगल थीटा है तो इधर क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा साइन थीटा, ऐसे कह सकते हैं 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। ओके, ये थीटा है पूरा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ थीटा माइनस 90,
वैसे देखें अगर, तो ऐसे लेकर ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा पे ले लेता हूँ। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? हम कह रहे हैं एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, ये इससे बड़ा है क्योंकि बैलेंस कर रहा है ना अकेला, जिसमें एस ऐसे भी आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन लिखें तो, इसलिए ऐसा कहा। जबकि दूसरे केस में अलग सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंगली एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूस होगा। व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रॉन्गली टू देमसेल्व्स एंड वीकली टू दोज ऑफ सॉलिड, यानी कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट ए लिक्विड सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड देन डज नॉट वेट द सॉलिड, है ना, सरफेस अपनी सरफेस एरिया बढ़ाने को तैयार नहीं होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। दिस इज वॉट happens with water on a waxy or oily surface। आपको अपने स्कूल बैग को वाटर प्रूफ करना है तो सिंपली आप मोमबत्ती लेकर उसके कपड़े पर रगड़ दो, अब जो है वो पानी उसको गीला नहीं कर पाएगा। एंड विद मरकरी ऑन एनी सरफेस, मरकरी इंटरेक्ट करेगा नहीं, है ना, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू दोज ऑफ द सॉलिड, यानी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, दिस विल रिड्यूस एस एस एल एंड देयर फोर कॉस थीटा में इंक्रीज और थीटा में डिक्रीज। इन दिस केस कॉस थीटा इज एन एक्यूट एंगल। दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर वाटर ऑन ग्लास और ऑन प्लास्टिक एंड फॉर केरोसिन ऑयल ऑन वर्चुअली एनीथिंग, है ना। केरोसिन तो किसी भी सरफेस पे डालो फैलता है, या डिटॉल की बात करें फैलती है, एंटीसेप्टिक में हम ये प्रॉपर्टी रखते हैं जिससे कि घाव में अच्छे से फैल जाए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, डाइंग सब्सटेंसेस, ये सब भी फैलते हैं क्योंकि ये अच्छे से सरफेस पर फैलेंगे तभी इफेक्टिवली काम करेंगे। आर वेटिंग एजेंट्स, गीला करने वाले, और इनके कॉन्ट्रेरी व्हेन दे आर एडेड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिकम स्मॉल, इनके साथ तो स्मॉल हो जाता है, सो दैट दीज मे पेनिट्रेट वेल बिकम इफेक्टिव, ठीक है। वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, इनके कॉन्ट्रेरी बात करें, जैसे डॉक्टर फिक्सिट आता है वाटर प्रूफिंग एजेंट, आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं तो सीपेज ना हो, पानी रिस कर जमीन में ना जाए, जमीन का पानी ना आए, उसके लिए आपको वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। तो हम मिलाते हैं वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, ऑन द अदर हैंड आर एडेड टू क्रिएट अ लार्ज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द वाटर एंड फाइबर्स, और उसकी वजह से वाटर प्रूफिंग हो जाती है। तो ये हमने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में सीखा। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉप्स एंड बबल्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।